हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी 11:09 हो रहा है और फाइनली अभी मैं नहाकर हो गया हूँ रेडी। एंड गाइस अभी जा रहा हूँ मैं राशन की दुकान पे, जो निशुल्क राशन होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ तो कंट्रोल ही बोलते हैं। तो अभी गाइस यार कंट्रोल में जा रहा हूँ, पर कितनी भीड़ है। गाइस यार फाइनली 3:44 हो गई है गाइस, और अभी गाइस पूरे दिन से अभी कंट्रोल से सामान लेके जा रहा हूँ यहाँ पर निशुल्क संदते। तो गाइस केरोसिन वगैरह तो लेके नहीं आया हूँ, गया हूँ एंड चावल लेके आया हूँ। तो यहाँ पर 16 किलो चावल एंड 24 किलो गेहूँ दे दिए हैं, तो वो लेके जा रहा हूँ। इस तरह से आगे रख लिया है एंड लेके चलते हैं घर, क्योंकि गाइस है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पूरा दिन बैठे बैठे हो गया। आप सभी को पता है सुबह में कितनी बजे आया था। अभी फाइनली घर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड प्यासा भी बहुत हूँ। पानी पता खाते हैं, पानी ठंडा है क्या? पानी खुला है अभी घर से निकला ना, डब्बा खाली हो गया। अपने यहाँ का पानी की बात अलग है। टीका एक मत कर दे यार, फिलहाल गर्मी पड़ी। ऐसा क्या लगी रही तू, बहुत टाइम नहीं है उनके, ऐसा क्या लगी रही बहुत टाइम नहीं। तो गाइस यार फाइनली अभी 3:55 हो रहा है एंड मैं घर आ चुका हूँ। एंड गाइस रास्ते में अभी एक ठेला मिल गया था, तो पानी पता से खा के आ रहा हूँ गोलगप्पे, मतलब बस बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो गाइस अभी भी भूख है मेरे को, तो अभी खाना खाते हैं फाइनली। पहले तो बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी और पानी वगैरह पी लिया पानी पतासे वाले पास, अभी खाना खाते हैं। गाइस जो दुकान का नाम है ना वो निःशुल्क राशन है, बट वहाँ पैसे देना ही होते हैं। अभी मैं 40 रुपये दे के आया हूँ एंड राशन लेके आ चुका हूँ। केरोसिन तो लेके आया ही नहीं हूँ, क्योंकि केरोसिन की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा है, राशन से ज़्यादा केरोसिन और महंगा है। पहले तो है ना कूलर में पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, टंकी में से पहले पानी निकालते हैं। अभी कूलर में डालना पानी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि मैं रास्ते में आ रहा था ना तो वहाँ पर अभी बोरिंग चल रहा था और बोरिंग से पानी भर के लाना है पीने के लिए, क्योंकि पीने का पानी कुछ भी नहीं है। और सुबह मैं एक बार गया था तो बोरिंग बंद था और वहाँ चला गया, उसके बाद मेरे को इतना टाइम हो गया कि पानी लाने का टाइम ही नहीं मिला। अभी फाइनली वहीं जाते हैं ताकि मोटर बंद ना हो और उसके बाद कूलर में पानी डालेंगे फिर खाना खाएंगे। सो गाइस 4:04 हो चुका है एंड फाइनली अभी बोरिंग तो चालू है गाइस, और एक डब्बा भी भर लिया है। तो अभी सारे डब्बे ऐसे ही भर लेते हैं एंड फटाफट से भरता हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा है ही नहीं, कभी भी जा सकती है। तो अभी ढक्कन लगाते हैं इसका, सारे डब्बे भर लेता हूँ। तो गाइस यार फाइनली डब्बे भर लिए हैं, अब निकलते हैं घर के लिए। इस टाइप से भी डब्बे बांध दिए हैं, निकलते हैं घर। तो गाइस फाइनली अभी घर आ चुके हैं, तो अभी डब्बे को खोल देता हूँ। गाइस इस टाइप से बंधे हुए हैं, फाइनली खोलते हैं। ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या, बाइक पर तो और ज़्यादा लू चल रही है। तो गाइस फाइनली अभी सारे डब्बे खोल दिए हैं, ये देख सकते हो। तो अभी इनको साइड से रख देता हूँ। ये सारे डब्बे इस टाइप से जमा दिए हैं, पानी पीते हैं, ठंडा पानी है अभी लेके आया, ताज़ा है ना। गाइस पानी वानी धो चुका है फिनिश और 4:30 बज चुकी है। तभी गाइस कूलर में पानी वानी नहीं डाल रहा हूँ। अभी आपको एक बात बतानी थी,
कल वाला व्लॉग इसलिए नहीं आया, सॉरी किस लिए नहीं आया वही डिटेल में बताने वाला हूँ। कल वाला तो मैं आपको बता दूँगा, बाकी जो पिछले व्लॉग से नहीं आ रहे गाइस उसका रीज़न ये है कि मैं वहाँ मामा जी के यहाँ काम पे चला गया था। आपने वो वाला व्लॉग तो देखा ही होगा। तो वहीं जाने के बाद गाइस मैं इतना बिजी हो जाता हूँ काम में, सारी लेबर मेरे हाथ में रहती है, उनको अरेंज करना तो पूरा दिन उन्हीं में हो जाता है। और गाइस धूप इतनी ज़्यादा गिरती है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो गाइस टाइम तो मिल ही नहीं पाता कि मैं व्लॉग जरा सा शूट करूँ। व्लॉग तो व्लॉग, वहाँ एक फ़ोटो खींचने का टाइम नहीं मिलता है मेरे को, तो इसलिए गाइस वाले व्लॉग नहीं आ पा रही हैं। एंड मैं लेबर में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, एंड पूरा सेटल करना एंड इंजीनियरों से मिलना, गाइस इंजीनियर रहते तो उनको चेकिंग करवाना, उनके हिसाब से पूरा काम करवाना, एंड गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है वहाँ पे रहता हूँ। और तो इसी कारण से गाइस मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाता हूँ। गाइस कल तो मैं काम पे नहीं गया था, नाना जी को हॉस्पिटल लेके गए थे। गाइस नाना जी को हॉस्पिटल है ना कार से लेके गए थे, मामा जी की कार थी अल्टो 800, उसी से सलंग 2 घंटे चले कल हम। 2 घंटे पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिला। नाना जी की तबीयत की बात करूँ तो उनको लकवा की शिकायत हो चुकी है, इसीलिए वहाँ गए थे। अभी 4-5 दिन हो गए, जब मैं फर्स्ट दिन गया था ना इसी के लिए गया था कि नाना जी से मिल पाऊँगा एंड वहाँ काम भी कर लूँगा। तो मैंने पूरे दिन तो काम किया और शाम को मामा जी के यहाँ फाइनल पहुँच गया नाना जी से मिलने के लिए। इधर से गए ना तो बहुत ज़्यादा कच्चा रास्ता था, एंड 2 घंटे में वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं मिला हमें। ऐसा कोई बहुत बड़ा दवा खाना नहीं है, वहाँ जड़ी बूटी दी जाती है हार्ट जोड़ने की, मतलब कि हड्डी जोड़ने का एक पेड़ होता है उसकी दवा दी जाती है, जिससे हड्डी टूटी हुई है ना जुड़ जाती है। तो काका सॉरी नाना जी का तो पता है ही नहीं कि हड्डी टूटी हुई है या लकवा। वहाँ डॉक्टर के पास गए थे, लकवा की शिकायत बता रहे थे, एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि सीटी स्कैन करवा लेना, तो नाना जी ने मना कर दिया कि सीटी स्कैन नहीं करवाना है, मुझे हॉस्पिटल वहाँ ले चलो जड़ी बूटी बोले दवाखाना में। तो वहाँ गए गाइस तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला, जैसे डॉक्टर का लड़का मिला था तो खेत पे से फिर जड़ी बूटी मंगवाई और फिर जड़ी बूटी ला के दी, बाकी वहाँ पर पानी पिलाया। एंड नाना जी की गाइस इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि उनको है ना छोटे बच्चे की तरह ले जाना पड़ा, जिस तरह से बच्चे को जिस तरह से गोद में लेके जाते ना ऐसे ही नाना जी को भी हम 2 जने ले गए, एक छोटा मामा जी का लड़का जिसका नाम है गब्बर एंड मैं, दोनों पीछे बैठे हुए थे आराम से और उनको लेके गए थे। एंड मामा जी थे बड़े वाले, जो मेरे नाना जी ना उनसे बड़े वाले भाई का लड़का भी गया था, वो भी मेरे मामा जी लगते हैं, तो वो भी साथ ही में गए हुए थे। तो वहाँ गए गाइस बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद वहाँ पहुँचेगा, माहौल चल रहा गाइस कार में एसी भी नहीं चलती, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कार में, एंड लू भी चलती है, अगर उसका खिड़की खोल के रखते ना तो और ज़्यादा गर्म हवा लगती का। आधा घंटा तक वहीं बैठे रहे, नाना जी को मैंने संभाला एंड वहीं रखा। दवा लेने के बाद फाइनली फिर घर के लिए निकल लिए, बाकी घर के लिए दूसरे वाले रोड से आए घूम फिर के, जो कि सीधा शॉर्टकट पड़े एंड अच्छा रोड भी रहे। बाकी शॉर्टकट तो वही था जो पहले वाले रास्ते से गए थे, बाकी वो लॉन्ग था एंड बाकी अच्छा था, कच्चा नहीं था, एंड घूम फिर के नहीं जाना था, इधर से उधर जाना डायरेक्ट रोड था, तो मतलब लॉन्ग था बाकी सीधा था, तो सीधे घर पे पहुँचे। घर पहुँचने से पहले 2 बार पोपट हुआ हमारे साथ, गाँव के पहले आने से पहले ही बीच में गांव था, वहाँ गई गाड़ी पंचर हो गई, एंड पंचर के साथ साथ उसका टायर भी ख़राब हो गया, पूरा कट कट के ऐसा हो गया, अंदर के पूरे वायर निकल गए एंड कोई काम का ही नहीं रहा गाइस, इतना खतरनाक पंचर हो गया। और इसका कारण यह है कि उसमें गाड़ी में ना बस गाने चल रहे थे बहुत ज़्यादा आवाज़ में, एंड मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि गाड़ी पंचर हो गई है, एंड मेरे पास जो भाई बैठा था उसको भी समझ में नहीं आया। नाना जी की तबीयत ख़राब ही थी, उनको लेकर आराम से हम बैठे हुए थे। गाइस पता है ना मेरे नाना जी के भाई के लड़के को पता चला, यानी कि मेरे मामा जी को पता चला, उनने बोला कि गाड़ी पीछे से शायद पंचर हो गई है, आवाज़ कर रही है, तो फिर गाड़ी रोकी एंड देखा तो गाइस पूरा टायर ही ख़त्म हो गया, एंड रुके भी ऐसी जगह, मेरे जो मामा जी है ना उनकी पहचान के ही थे दरबार, जहाँ पंचर हुई ना वहाँ तो कोई पंचर की दुकान भी नहीं, एंड पंचर की दुकान भी नेक्स्ट गाँव में, और वो भी थोड़ा लंबा था कम से कम 5 किलोमीटर, एंड कार का सिस्टम का इस कार को ले भी नहीं जा सकते, अगर बाइक हो तो हम पैदल भी ले जाएं। तो दरबार का मकान था ना, उनने बताया कि यहाँ पंप से हवा भर लो, अपने यहाँ पंप है, तो उनने पंप दिया, वहाँ से हवा भरवाई
एंड जो मेरा भाई था गब्बर, उसने हवा भर ली उसमें, एंड उन्होंने ना गाइस पानी की व्यवस्था की, नाना जी को पानी पिलाया, हाँ जितने भी कार में सारे लोग को पानी पिलाया, एंड चाय की व्यवस्था की गाइस। क्या जब तक मैंने स्टेपनी खोल दी एंड चाय पी ली सभी ने, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ तो सारे पी रहे थे जब तक मैंने स्टेपनी खोल के उसको लगा दी। बाकी गाइस लगाते लगाते ना मेरे उंगली में भी लग गई इस टाइप से, उसमें एक होल था उसमें मैंने इस टाइप से रख उठा के स्टेपनी लगा रहा था, तो वो गब्बर था ना उसने पूरी स्टेपनी दबा दी, तो मेरे ये है ना चार ही उंगली दब गई। क्या अभी भी दर्द हो रहा है, एंड जो वायर टूट गया था ना गाइस टायर का, उससे ये वाला पैर भी कट गया था, यहाँ से देख सकते हो, तो इतना तो नहीं कटा हुआ था भाई, ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था। बाकी मैंने स्टेपनी लगाई एंड उसको रेडी करके फिर निकल लिया हम, कि बोले आगे जो गांव आएगा वहाँ पंचर की दुकान रहेगी, वहाँ से हम हवा डलवा लेंगे। चलते चलते वहाँ अगले गांव में पहुँच गए। अगले गांव में पहुँचने के बाद जो मेरे नाना जी के भाई का लड़का यानी कि मेरे मामा जी ने बोला कि हवा डलवा लेते हैं, बाकी हवा मेरे खुद के मामा जी ने नहीं डलवाई, एंड गुस्से गुस्से में आगे चले गए। अब आगे जाने के बाद फिर गाइस पंचर हो गई गाड़ी, पंचर हुई, फिर उसको स्टेपनी को खोला, वहाँ से स्टेपनी खोल के फिर चौराहे पे पैदल पैदल ले गए, एंड वहाँ रास्ते में फिर आगे एक बाइक मिल गई थी, उससे मैं पंचर वाले की दुकान पे पहुँचा, एंड गब्बर फिर पैदल पैदल आया मेरे पीछे पीछे, पैदल पैदल फाइनली वहाँ पहुँचे पंचर की दुकान पे, और गाइस वहाँ से ना पंचर का मना कर दिया कि ये वाले बड़े टायर का पंचर नहीं बन पाएगा हमसे, तो वहाँ से फिर चला तो अगली दुकान पे गए गाइस, तो वहाँ जाना था पैदल पैदल, क्योंकि वो पंचर वाले भैया वहाँ खा पी रहे थे कुछ और बोले कि मैं छुड़वा देता हूँ, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू गाइस, क्योंकि उनने बोला तो उनने ना छुड़वा भी दिया मेरे को, टायर मेरे हाथ में था तो वो अगली वाली दुकान पे मेरे को छोड़ दिया, तो वहाँ से पैदल पैदल वहाँ दुकान पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद फिर बाइक का टायर सॉरी गाड़ी टायर रख दिया गाड़ी का, वहाँ पानी वानी पिया, पंचर वाला भाई दूसरा कोई पंचर जोड़ रहा था, उसके बाद यार वाला टायर खोल दिया। फिर गाइस मामा जी ने फ़ोन लगाया कि अगर पंचर जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं जुड़े तो पंचर नहीं सॉरी ट्यूब डलवा लेना, तो वो पंचर वाले ने पहले ही बोल दिया कि आपका ट्यूब डलवाना पड़ेगा, पंचर से काम नहीं चलेगा इसमें, आपका ट्यूब ख़राब हो गया। तो गाइस 400 रुपये का ट्यूब डलवाया फिर, एंड गब्बर ने पैसे दिए 400 रुपये, वहाँ से फिर जुड़वा के फिर गए कार के पास, फिर स्टेपनी गाइस फिर आराम से लगाई मैंने, और आराम से तो गाइस ठीक है। मामा जी कोई वो जो ना जो पंचर वाला था वो भी पहचान का निकल गया, जो गब्बर था ना उसके साथ उसका भाई पड़ता था, एंड पहचान निकलने के कारण मैंने अच्छी बातचीत हो गई हमारी वहाँ, और पंचर जोड़ सॉरी ट्यूब डाल दिया, ट्यूब डालने के बाद मैंने बोल दिया भैया यार छुड़वा दो यार, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ हमको पैदल ले जाना पड़ेगा इसको, तो भैया ने भी बाइक निकाली और हमको छोड़ दिया वहाँ। अब वहाँ पहुँचने के बाद हम टायर लगाने लग गए, एंड मामा जी उससे बात करने लग गए पंचर वाले भाई से कि पहचान वहचान थी, क्योंकि आसपास ही थी दुकान गाँव के, जी ने बात की ना गाइस, तो फटाक से हमने स्टेपनी लगा दी, मामा जी आए तो बोले कंप्लीट हो गया, बोले कि बोल्ट तो खोला, हमने बोला बोल्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है, टायर लग गया है अब इसको टाइट करते हैं, पहले जैक उतारते हैं इसके बाद फिर टाइट कर देंगे एंड फिर निकलते हैं, ये सब कुछ करके फिर फाइनली घर निकले। इसमें भी एक प्रॉपर्टी ये था मेरा कि मेरा बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था, सुबह जब हम हॉस्पिटल गए थे ना फाइनली 9 बजे निकल चुके थे, एंड घर कितने 4 बजे पहुँचे, दिन से गाइस कुछ भी नहीं खाया क्या, एंड कार में जो पानी रखा था वो भी गर्म हो गया। जैसे घर पहुँचे वहाँ नाना जी को आराम से उतारा, चेयर पे बिठाया उनको आराम से, फिर हाथ मुँह धोया एंड फिर खाना खाया गाइस। कल ही शाम को मैं निकल के घर पे आ गया, एंड फिर आगे गाइस इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, तो आके ही मैं सो गया। बाद गाइस फिर 8-9 बजे उठा, और 9 बजे कब उठा जब मेरे को मम्मी एंड पापा ने उठाया खाना खाने के लिए, तब उठ के फिर खाना खा के फिर ऐसा ही सो गया, बिस्तर भी नहीं डाला, जैसे ये चटाई बिछी हुई ना यहीं सो गया, एंड फिर पापा मम्मी बोले कि ऊपर सो जा, तो ऊपर भी सो गया, बाकी बिस्तर नहीं डाला, केवल एक ओढ़ने के लिए चादर रख लिया एंड ऐसे ही सो गया। मोबाइल जहाँ का जहीं रह गया, जो भी मेरे साथ सामान था ऐसा कैसा ही रह गया। फिर सुबह उठा गया नहा धो के रेडी हो गया। आज फिर आज का कहानी ये वाले व्लॉग में आपने देख लिया है, कहानी तो गाइस मैंने आपको पूरी सुना दी है, 2-3-4 दिन की तो वही कहानी कि मैं काम पे चला गया था, मेरे को व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से व्लॉग शूट नहीं कर पाया। कल तो मेरा इतना बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था, थक भी चुका था गाइस यार, नाना जी को है ना जैसे कि छोटा सा बच्चा होता ना ऐसे ही उनको उठा के ले जाना पड़ा है,
एंड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत है गाइस यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं घर जाऊं, बाकी घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो आना पड़ा गाइस यार। बस टाइम हो रहा है 5:19 एंड मेरे को गर्मी हो रही है ना, तो इसकी वजह से छाछ पी रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर फ्रिज में छाछ रखी हुई थी, तो इसको निकालते हैं एंड इसमें शुगर को मिक्स करते हैं एंड फिर पीता हूँ। इसे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी छाछ लग रही है मेरे को, अंदर से निकालिए ना। गाइस अभी शुगर को मिक्स करते हैं एंड फिर पीता हूँ। सो गाइस मिक्स हो चुका है, मस्त है गाइस। गर्मी में ना पहले तो फ्रिज में रखा था और ठंडा हो गया, तो बहुत एक नंबर लग रहा है। शुगर डाल दिया ना तो मीठा भी हो गया है, बाकी अभी बिना शुगर से खा लिया था बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा था। इसके गोदड़ा की खोल तो कोई फाड़ियों के पड़िया था उनका, अच्छी पकी है देख, लाल चाय ठीक है। पानी डालियो था नहीं उससे फर्क पड़ियो, रोज पानी पी लेगी। या ये काकड़ी ऐसी ही गई पड़ी गई, वक्त ध्यान नहीं दिया पड़ने, नया सख सुख गई है ना, मीठी हुई है ना, लाल भी हुई है ना। अभी कितने 10 काकड़ी है ना, सभी तोड़ रहा है मन, क्योंकि कुंड चाड़े बार बार ने लाल तो हुई गई, तड़का पड़ी पड़ी खराब हुई जाएगी ना। गाइस अभी एक ककड़ी मैंने छील लिया हूँ, अभी कट कर लिया हूँ, तो उसको खा कर फिनिश करता है। सारी ककड़ी तोड़ी मैंने,